तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जल्दी 3री हो जाएगी। भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है, भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान, देखा आपने राम मंदिर का हुई प्राण प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नेता है उनकी तरफ से बयान है, उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत नहीं है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं और वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनसे दूर इंडिया का। अब मुझे उनके आपस की भाषणबाजी पर कुछ नहीं कहना है। आपने ममता जी के ऑफिशियल कमेंट आ गया, आपने उस पर बताया मुझे, लेकिन उन लोग के अंदर अंतर्विरोध है कि नहीं है? वहां वामपंथियों को ममता जी कभी चाहती हैं क्या? देखो बड़ी बात समझो, इस पूरे अंतर्विरोध का कारण क्या है। कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा, ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता गए हैं न्याय यात्रा में, उनको पहले क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं के साथ न्याय करना चाहिए। और एक तरफ एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी बैठे हैं देश उनको व्याकुल बनाने के लिए, और देश समझ गया है कि जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है, स्थायी गवर्नमेंट आती है तो क्या होता है। आपने जो कहा प्रधानमंत्री पद की लड़ाई आपको ये और काहे के लिए है और किस बात के लिए है? और फिर कह रहा हूं, जब कोई नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है,